हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, और रीजनिंग में ये हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में देखिए होता क्या है कि आपको पेपर में आ जाता है और संबंध बताना होता है। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, एक ये चैप्टर हो गया, दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तीसरा चैप्टर आपका हो गया सिलोलिज्म, जिसको हम बोलते हैं न्याय निगमन। ये कुछ तीन चार ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग है, तो वहां से क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये जो तीन चार चैप्टर सेलेक्टेड हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और किसी चैप्टर से आए या ना आए, जैसे आप घड़ी सभी में नहीं आता है, सभी में पासा नहीं आता है, सभी में कैलेंडर नहीं आता है, लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको अपने थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? कि मतलब चाचा को क्या कहते हैं, चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं, ठीक है ना, चाचा के लड़के को क्या कहते हैं, मामा की वाइफ को क्या कहते हैं, मामा के लड़के को क्या कहते हैं, मामा के पिता को क्या कहते हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं आपको सभी को पता होनी चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है, हमको कुछ बेसिक से इनको करना होता है, और हमें अगर अपने रिश्तेदारों के बारे में समझ है तो हम बता सकते हैं। जैसे पापा की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है, पापा के जो बहन है उनके पति क्या लगते हैं, फूफे लगते हैं, फूफा का लड़का क्या लगता है। तो ये जो नॉर्मल रिलेशन है सभी को आते होंगे, क्योंकि हम सभी जो व्यक्ति हैं सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में रहते हुए हम इन सारे जो पारिवारिक संबंध हैं इनको हम क्या करते हैं, निभाते हैं, और इस बारे में हमें सबको यह पता होता है। तो इसमें इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अब ये अब नॉर्मल बताने वाली बात नहीं है कि हम मामा के लड़के को क्या कहते हैं, पापा की बहन को क्या कहते हैं, पापा की माँ को क्या कहते हैं। भाई ये नॉर्मल चीज है, पापा की माँ को दादी कहेंगे, ठीक है ना, पापा के ससुर को क्या कहेंगे, पापा की सास को क्या कहेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं सभी को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी को, हमको ऐसा मानते हैं कि ये सभी को पता होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जनरेशन के बारे में समझना होता है। तो सबसे पहले दो व्यक्ति होते हैं, या तो महिला होगी या तो पुरुष होगा, उसके अलावा कोई नहीं होता क्वेश्चन में। तो हम क्या देखेंगे, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम दो डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम ये होगा, इसमें हम लिखेंगे मेल, इसमें हम लिखेंगे मेल, और जो दूसरा होगा उसको हम बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम क्या लिखेंगे, फीमेल। मतलब ये जो होगा चौकोर वाला जो होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे पुरुष, पुरुष इंडिकेट करेंगे, और गोले से किसको इंडिकेट करेंगे, तो हम इंडिकेट करेंगे महिला को, हम इंडिकेट करेंगे महिला को। तो जहां पे महिला होगी उसको हम गोले में रखेंगे, और जहां पे पुरुष होगा उसको हम चौकोर डब्बे में रखेंगे। ये बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना होगा, जिससे कि हम जब सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। उसके बाद हमको क्या करना होता है कि सॉल्व करने के लिए हमें देखने होते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले किसको इंडिकेट करते हैं, तो दो के अलावा तीसरा तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो या तो पुरुष होगा या तो महिला होगी, ठीक है ना, तो इसको हम देखेंगे। और दूसरा जो हमारा आता है, तो दूसरे देखिएगा, दूसरे में क्या हम देखते हैं, जनरेशन के बारे में। तो देखिए संबंध, अगर हम देखेंगे स्टेप, तो अगर एक स्टेप की बात हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए स्टेप हो रही है, तो एक ही व्यक्ति के, जब एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, जैसे भाई भाई, भाई बहन, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, तो ये सारे जो रिलेशन होते हैं सब क्या होते हैं, एक पीढ़ी के कहलाते हैं, एक जनरेशन के कहलाते हैं। तो उनको हमेशा हम क्या रखते हैं, इक्वल में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे पति पत्नी हो गए, वो इक्वल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जनरेशन इक्वल होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पुरुष होगा, ये महिला होगी, ठीक है ना। अब इनके बीच में अगर संबंध हम देखेंगे, तो ऐसे अगर हम एक एरो बनाते हैं, तो अगर एक एरो बनाएंगे तो मतलब कि यह भाई बहन है। आपको बड़े अच्छे तरीके से देखना है, अगर हमने एरो एक तरफ बनाया तो मतलब इनका संबंध क्या होगा, भाई बहन का होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है। अगर हमने
दो एरो कर दिया, इधर भी एरो और इधर भी, मतलब अब यह क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, अब यह क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है ना। मतलब कि कहने का हमारा मतलब यह है कि हम दो रिश्ता आपस में इनका बनाएंगे, और रिश्ता बनाने के बाद अगर हम इनके बीच में इस तरह का एक एरो लगाते हैं तो मतलब क्या होंगे, यह भाई बहन होंगे। और अगर यहीं पे भी एक और चौकोर हम बना देते हैं डब्बा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऐसा हम एरो बना देते हैं, मतलब कि क्या हो जाएंगे, यह भाई भाई हो जाएंगे, यह भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है ना। और यह क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन, एक ही पीढ़ी की बात हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब जाएंगे एक जनरेशन में, तो इसके ऊपर जब जाएंगे एक जनरेशन में, तो इधर क्या होंगे, इनके माता पिता, तो माता पिता कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पिताजी, और यहाँ पे आ जाएंगी माता पिता, मतलब इनके ऊपर की एक जनरेशन। अब माता पिता को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हम ये, क्योंकि ये पति पत्नी है, तो इनको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो ये आपस में हम संबंध बताएंगे कि ये क्या है, पति पत्नी है, और इनके एक जनरेशन हम नीचे जमाएंगे, तो नीचे ऐसे एरो बनाइए, जैसे हम इनके एक जनरेशन नीचे आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके पुत्र और पुत्री हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर इनके दादाजी की बात करेंगे, तो दादाजी के आप एक जनरेशन और ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये दादाजी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दादा, और ये हो जाएंगे क्या, यहाँ पे बना देंगे दादी। इनके बीच में आपस में संबंध क्या हो जाएगा, पति पत्नी, ठीक है। ये किसके हो गए, पुरुष के। अब अगर महिला के भी बनाएंगे माता पिता, तो ये भी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर नाना नानी बनाना है इनके, तो इनके ऊपर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जनरेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर पापा का भाई है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे पापा का भाई, एक एरो लगाएंगे, मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, तो आपस में इक्वल में रखेंगे हमेशा। जब एक ही जनरेशन के लोग होते हैं, तो उनको हमेशा हम क्या रखते हैं, बराबर में। उसी तरह अगर मम्मी की बहन है, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, और एक एरो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चे हो गए, ठीक है ना, बच्चे के पिताजी हो गए, और ये अब इसी पे देखिए संबंध हम कैसे बताते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम दे दिए इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इसका जी, इसका एच, और इसका आई, हमने ये नाम दे दिए, ठीक है। अब यहीं पे अगर बोला जाए कि ए का बी से क्या संबंध है, तो आप बताओगे ए बी का भाई है। ए का सी से क्या संबंध है, तो आप बोलोगे सी का जो ए है भाई है। अब बोलेगा सी का ए से क्या संबंध, तो आप बोलोगे जो सी है वह ए की बहन है, क्यों, क्योंकि बराबर है एरो में, ठीक है। अब उसी तरह अगर पूछता है कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो आप बोलोगे बी एफ का पिता है। आप उसी तरह पूछता है बी का डी से क्या संबंध, तो भाई ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो ये जो बी है, तो बी का डी हो जाएगा क्या, चाचा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पापा का भाई चाचा है। उसी तरह पूछता है बी का सी से जी, बी की क्या है, देखिए ये हो गई माँ, भाई ये पति पत्नी है, तो ये पिताजी हो गए, तो ये माता जी हो गई। अब माता की बहन क्या लगेगी बी की, तो मौसी लगेगी, क्लियर है ना, मौसी लगेगी। तो ये रिलेशन हम देखते हैं। उसी तरह अगर पूछेगा एफ का जी से क्या संबंध है, तो देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गई, अब पत्नी की बहन क्या लगेगी एफ की, साली लगेगी, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन। अब इसी तरह एक जनरेशन अगर नीचे आ जाएंगे, तो इनके पुत्र की बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब बी का अगर हमको पुत्र बनाना है, तो हम ऐसे बनाएंगे, ये बी का हो गया पुत्र, ठीक है ना, बी का हो गया पुत्र, ठीक है। अब बी का हो गया पुत्र, अब इसकी हमको क्या बनाना है, बहन, तो हम बहन बनाएंगे यहीं पे, इनका बीच में आपस में संबंध होगा, एक ही जनरेशन का होगा। अब इसके नीचे और जनरेशन आएगा, तो ये जनरेशन ट्री कहलाता है, तो इसको हमें इस तरह से ही बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, मोस्ट जो इसमें प्रश्न बनते हैं, वो किस तरह के बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसमें मुख्यतः दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, और दो टाइप में सब टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं कि आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, और डी ई की माँ है, तो अब बताइए इनका आपस में क्या संबंध है, पहला
पहला टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा टाइप क्वेश्चन, दूसरा टाइप क्वेश्चन दे दिया कि अगर राम सीता का, सॉरी राम सीता नहीं लेते हैं, अगर दे देता है कि कोई मोहन, अगर मोहन अगर राधा का भाई है, मोहन अगर राधा का भाई है, तो आपको बताना होगा मोहन अगर राधा का भाई है और राधा माँ है मीरा की, राधा माँ है मीरा की, ठीक है, और मीरा की बहन है सविता, तो बताइए कि सविता का मोहन से क्या संबंध है। इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अगले टाइप में क्वेश्चन रहेंगे कि दो व्यक्ति होंगे पार्टी में खड़े होंगे और तीसरे की ओर इशारा करेंगे। प्रश्न आएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ठीक है ना, एक पार्टी में है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि राम ने एक तस्वीर के इशारा करते हुए एक महिला से कहा कि जो तस्वीर में बालक या बालिका दिख रही है उसकी माँ के भाई की बहन की इकलौती पुत्री है, तो बताइए उस तस्वीर वाले का उस औरत से क्या संबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, यदि ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर ए बी का भाई है, दूसरा ए माइनस बी बराबर ए बी की माँ है, अगला क्वेश्चन ए भागे बी बराबर आ जाएगा ए बी की बहन है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा ए गुणे बी बराबर ए बी का पिता है। ये क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा m भागे n माइनस p प्लस o, ऐसा एक समीकरण दे देगा और पूछ लेगा कि m का o से क्या संबंध है। तो इनके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद कुछ विकल्प दे देंगे, तो इसमें तीन चार तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आज पहले टाइप के, ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने है पहला, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर एक, पहले टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एम जो है एफ का भाई है, तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है। हम क्या करेंगे, अब जैसे बोल रहा है उसी तरह बनाएंगे। अब देखिए बी डी का भाई है, तो बी क्या है, भाई है, बी हमने क्या बोला था लड़कों के लिए क्या बनाना है, चौकोर, बी डी का भाई है। अब डी डी का भी जेंडर नहीं पता, लड़का है या लड़की, तो उसको भी छोड़ देते हैं, और भाई बहन को हमने क्या बोला था, एक ही रोज दर्शाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी एफ की बहन है, अब देखिए डी का रिश्ता पता चल गया, डी क्या है, लड़की, तो डी जो है लड़की हो गई, डी बहन है किसकी, एफ की। अब आगे, अब एफ का जेंडर नहीं पता हमें, एफ का जेंडर नहीं पता क्योंकि एफ के बारे में लड़का है या लड़की अभी नहीं पता, डी एफ की बहन है, बल्कि ये पता, डी का पता चल गया है। अब आगे देखिए एम एफ का भाई है, अब देखिए एम जो है क्या है, भाई है किसका, एफ का, एम का भी रिश्ता पता चल गया, लड़का है, तो एफ का बी से क्या संबंध है, तो एफ का बी से क्या संबंध है। अब बताइए जो एफ है उसका बी से क्या संबंध है, तो आप ये देखिए कि जो बी है और जो एफ है, तो ये बताइए क्या एफ का आपको पता चल रहा है लड़की है या लड़का। तो देखिए जब ये भाई बहन है, ये भी भाई है, और ये इसका या तो भाई होगा या तो बहन होगी, या तो, क्योंकि देखिए दो ही होगा, क्यों, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, क्योंकि पैरदार है, एक ही जनरेशन में है, बस जेंडर इसका नहीं पता है, भाई होगा या तो बहन होगी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जो बी है वह, जो एफ है वह बी का या तो भाई होगा या तो बहन, तो एफ का पूछा है रिश्ता, एफ का रिश्ता पूछा है बी से, तो आपको बताना है एफ का रिश्ता बी से, मतलब कि एफ बी का क्या होगा, तो या तो भाई होगा या तो बहन होगा, ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि एफ का आप अच्छे से देखिए, बी के बारे में बताया है, बी डी का भाई है, बता दिया बी डी का भाई है, तो मतलब बी लड़का है, जेंडर पता चल रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, डी एफ की बहन है, अब देखिए डी का बता दिया बहन है, किसकी, एफ की, बता दिया ना कि डी एफ की बहन है। अब बहन तो अगर ये लड़की भी होती तो भी इसकी बहन होती, भाई भी हो तो भी बहन होती ना। अब आगे देखिए, एम एफ का भाई है, एम के बारे में भी बता दिया भाई है, किसका, एफ का, लेकिन एफ का जेंडर नहीं बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के आर से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न अच्छे से हमने पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एम के का भाई है, तो एम का हम रिश्ता बना दिए, एम क्या है, भाई है किसका, के का, पैरेलल रखेंगे, के का भाई है। आगे देखिए, पी के की बहन है, अब देखिए पी जो है वह के की बहन है, मतलब पी का हमको जेंडर पता चल गया, पी भी बहन है, लेकिन अभी के का जेंडर नहीं पता चला है, पी के की बहन है। अब देखिए, आर पी का पिता है, अब देखिए जो आर है पी का पिता है, हमने क्या बोला, पिता को ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो आगे के जनरेशन का होगा, पहले के जनरेशन का होगा, तो पी का रिश्ता हमें पता है, क्या पिता है, मतलब कि मेल है, आर जो है पी का पिता है, हमने बना दिया आर जो है पी का पिता है। अब देखिए, तो के आर से किस प्रकार संबंधित है, तो के का आर से रिश्ता पूछा है, के का आर से रिश्ता पूछा है, मतलब के आर की क्या लगेगी, तो देखिए इसका क्या रिश्ता पता चल रहा है, हमने ये देखा कि आर जो है, आर का पुत्र कौन है, पुत्री कौन है, पी, अब पी का क्या, या तो भाई होगा या तो बहन होगी, भाई सिंपल सी बात है, हमने बोला पी का एम क्या है, भाई, ए भाई है, क्योंकि इसका जेंडर पता है, पी क्या है, बहन है, हमको जेंडर पता है, लेकिन के पे हमें नहीं पता कि यह लड़का है या लड़की, या तो भाई होगा या तो इसकी बहन होगी, तो आर से रिश्ता पूछा है, तो भाई जब पी का ये आर पिता है, तो के का भी पिता आर होगा और एम का भी पिता आर होगा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, तो आप बताओगे के का आर से क्या रिश्ता है, भाई के जो है वह आर का क्या लगेगा, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, पुत्र या पुत्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। आगे देखेंगे, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, तो बनाते चलते हैं, ए बी की बहन है, तो हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे जो ए है वह बी की बहन है, मतलब ए का लड़की है और बी का भी जेंडर नहीं पता, तो हम बी को उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है ना, बहन है, ए बी की बहन है, अब बी लड़का हो सकता है या लड़की, अब देखिए क्या बोल रहा है, सी बी की माँ है, अब जो माँ है वह कौन है, सी, सी का जेंडर हमें पता चल गया, सी क्या है, औरत है, पता चल गया ना, क्योंकि साफ बोल रहा है सी बी की माँ है। आगे देखिए, डी सी का पिता है, अब देखिए सी का पिता मतलब इसके ऊपर आएगा, तो डी क्या है, पिता है किसका, आप बोलोगे डी पिता है सी का, जेंडर मेल है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब आगे देखिए, ई डी की माता है, अब देखिए इसके ऊपर और जाएगा, इसके ऊपर और जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी की माता कौन है, ई, मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, ये जनरेशन ऐसे है, तो हमने क्या बोला, जब माता पिता की बात होगी तो ऊपर जाएगा और पुत्र होगा तो नीचे आता जाएगा जनरेशन में। अब बोल रहा है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब ये जो ए है वह डी की क्या लगेगी, जो ए है वह डी की क्या लगेगी, तो आप ये बताइए, जब बी या तो इसका भाई होगा या तो बहन, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं, अब ये बताइए, जो बी की माता होगी वही ए की भी माता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये आपस में भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सॉरी, आप बोलोगे कि जो ए है वह ए सी की भी क्या हो जाएगी, सॉरी,
सी जो है वह ए की भी क्या हो जाएगी माता, क्योंकि बी की भी माता है। अब देखिए जो सी है वह सी का पिता कौन है, डी, मतलब कि डी इनके माता का पिता। अब माता का पिता क्या लगता है, नाना लगता है, तो नाना मतलब बी का भी नाना होगा और सी का भी नाना होगा। तो आप बताइए जो डी है वह क्या पूछा है, ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब ए जो है वह डी की क्या लगेगी। तो भाई जो ए है भाई ये नाना है, अब नाना की ये लड़की है और लड़की की लड़की क्या लगती है, लड़के की जो लड़की होती क्या लगती है, तो आप बोलोगे सर नातिन लगती है, ठीक है ना, मतलब नाना की लड़की मतलब आपकी माँ, आपकी माँ जो है, ठीक है ना, और आपकी बहन, आपकी बहन आपकी नाना की क्या लगेगी, नातिन ही तो लगेगी। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको इन क्वेश्चनों की, चूंकि रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन है, 50 50 60 60 क्वेश्चन है, तो बोर्ड में करवाना थोड़ा सा कठिन काम है, जटिल समस्या है। तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। तो कोई भी बुक ले लीजिएगा रीजनिंग का, या आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्या करेंगे, A3 एकेडमी, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह का लोगो लगा होगा, तो आप A3 एकेडमी में जा करके, इस तरह का सेम लोगो लगा होगा, तो आप A3 एकेडमी सेम ऐसे लोगो जा करके A3 एकेडमी सतना डालेंगे और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF नोट्स बकायदे प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या उसको आप प्रॉपर वे पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप उनको करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा उसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, बी डी की माँ है, अच्छे से सुनिएगा क्वेश्चन, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, आगे लिखिएगा एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तो आपको बताना है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन ससुर, दूसरा ऑप्शन बहनोई, तीसरा ऑप्शन चाचा, चौथा ऑप्शन भाई, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, क्यू की माँ पी है, क्यू की माँ पी की बहन है, सुधारिएगा क्वेश्चन, क्यू की माँ पी की बहन है और एम की पुत्री है, दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, क्यू की माँ पी की बहन है और एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, एस पी की पुत्री है और टी की बहन है। तो आपको बताना है M का T से क्या रिश्ता है, M का T से क्या रिश्ता है। पहला ऑप्शन ग्रैंडफादर, दूसरा ऑप्शन फादर, तीसरा ऑप्शन ग्रैंड मदर, चौथा ऑप्शन ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, या पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, अच्छे से लगाना है। अब चूंकि यह जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह दो तीन वीडियो लग जाएंगे, क्योंकि हमको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, जितना पढ़ना है कम से कम उतने चैप्टर्स एग्जाम में आए तो हमसे नहीं छूटने चाहिए। तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। कुछ नहीं मांगते, गुरु दीक्षा के रूप में बस इतना ही आपसे मांग रहे हैं, और हमें सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।